उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सीट बंटवारे के मसले पर 6 अप्रैल तक इंतजार करने की बात कही है, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी तक इस पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। राजभर जिन 5 सीटों की मांग भाजपा से करते रहे हैं, उनमें से चंदौली और मछली शहर सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। इससे इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि अब सुभाषपा 6 अप्रैल को क्या फैसला लेगी। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नया बयान भी सामने आया है। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 5वें, 6ठें और 7वें चरण में हमारी बात बीजेपी से नहीं बनती तो हम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिरी के इन 3 चरणों में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की 41 सीटों पर मतदान होना है। ओम प्रकाश राजभर के बयान से यही लगता है कि अगर भाजपा ने उन्हें सीटें नहीं दी तो उनका रास्ता अलग हो सकता है। पिछले महीने तक पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने और भाजपा उम्मीदवारों को जिताने की बात करने वाले राजभर ने अभी तक अपने सहयोगी के लिए प्रचार भी नहीं शुरू किया है। इससे आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं कि क्या राजभर कड़ा फैसला लेने वाले हैं। भाजपा ने अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन घोसी और जौनपुर जैसी पूर्वांचल की काफी सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है, इसलिए संभावनाएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। शायद सुभाषपा को एनडीए से चुनाव के लिए सीटें मिल जाए, इस बात की संभावना बरकरार है। इनमें से घोसी सीट को लेकर राजभर का खासा जोर रहा है। बहरहाल 2 दिनों का इंतजार और है, इसके बाद स्थिति साफ हो ही जाएगी, क्योंकि भाजपा भी अब बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान में ज्यादा देरी नहीं कर सकती। 5वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की खबरें आपको लगातार मिलती रह सकें।